जितना कठिन रास्ता होगा मंजिल उतनी ही अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं मीन राशि के लिए नया साल कैसे रहने वाला है और किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह आपके लिए फल प्रदान करेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी और साथ में कुछ उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो इस वर्ष की शुरुआत में आपके ही राशि मीन में उपस्थित होंगे और 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति अपने अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ दिन में कमी आएगी। दोस्तों अब बात करेंगे आपके लिए जनवरी से दिसंबर की संपूर्ण जानकारी की। सबसे पहले जनवरी का महीना, इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वक्री मंगल तीसरे भाव में होंगे जो आपको शक्ति प्रदान करेंगे और शनि महाराज एकादश भाव में आपको अच्छी आया प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आया अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन इस माह आपको स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। बात करते हैं फरवरी माह की, तो फरवरी महीने में विदेश माध्यम से धन प्राप्त के योग बनेंगे। व्यापार में भी वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। जीवन में तनाव कम होगा, जीवन साथी से भीतर का आभास होगा। फरवरी के बाद देर से दंपत्य जीवन हो या प्रेम जीवन हो, दोनों में रोमांस के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की भी संभावना पूर्ण होगी। दोस्तों बात करेंगे मार्च महीने की, परिवार के जीवन में तनाव लेकर आ सकते हैं। 13 मार्च को मंगल अपने चौथे भाव में बैठेंगे और माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दंपत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव बनेगा। दशम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। एकादश भाव पर भी दृष्टि होने से अच्छी आया के योग बनेंगे, कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब आपको अप्रैल महीने की, कम दूरी की यात्रा हो सकती है, वह यात्रा लाभदायक रहेगी। संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति की राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी, बिगड़ भी सकते हैं और सम भी हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे अब मई माह की, आप अपनी खामोशी को लेकर चिंतित रहेंगे। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में परेशानी आ सकती है, आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, आपके रिश्ते में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके जीवन साथी या आपके प्रेम में क्रोध व्यवहार के कारण आप बीच से दुखी रहेंगे। हालांकि आय के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं जून महीने की, जून महीने में अटके हुए काम पूर्ण होंगे और आमदनी भी अच्छी होगी। छात्रों की पढ़ाई में कुछ जानकारियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में भी थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। अपने भोजन की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, नहीं तो मुंह में या दांत में या पेट में दर्द संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप बीमार भी हो सकते हैं और बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मीन राशि के लिए जुलाई की, महीने में आपके शत्रु आपके चारों ओर घिरे रहेंगे। यदि कोई मामला आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में खुला है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में भी यह समय आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और इस दौरान धन के लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावना भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगस्त महीने की, दोस्तों महीने की शुरुआत में आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे, व्यापार में भी वृद्धि होगी, लेकिन महीने के अंत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। व्यापार में काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है, हालांकि यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। जीवन में तनाव बढ़ सकता है, आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। भाग्य पर सब कुछ छोड़ दें अच्छी बात नहीं, इसलिए मेहनत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में व्यापार में कुछ नए गठजोड़ हो सकते हैं। इस दौरान दंपत्य जीवन में चल रहे तनाव में भी कमी आएगी। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रखेंगे। आमदनी में आप विवाद हो सकता है, गलत फैसले लेने से बचें। अक्टूबर का महीना सावधानी से जुड़ा रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूरी कोशिश करें। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है इस दौरान आपको कोई कमी अचानक से अटक जाए, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के लिए अब नवंबर माह की, महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और दूसरे भाव में अकेले गुरु बृहस्पति विराजित हैं। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही है तो वह दूर हो जाएगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की तलाश रहेगी। दोस्तों बात करते हैं दिसंबर महीने की,
आपको उम्मीदों से ज्यादा ऑफर करने वाला महीना साबित होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सोच का योग बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे अब मीन राशि का प्रेम राशि फल 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों अपने प्रेम संबंध में वर्ष की शुरुआत में अनुकूल महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा। इसके कारण आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। एक दूसरे को लेकर उसका विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस साल आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंध में विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेगा। वे बजा की लड़ाई झगड़ों से बचें और हो सके तो अपना रिश्ता टूटने को बचाएं। इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा। अगर आप इस दौरान अपने रिश्ते को ठीक कर रहे हैं तो दिसंबर के महीने में आपके रिश्ते बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंध में सम्मान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिसंबर का माह आते आते आपके रिश्ते अच्छे और मधुर हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अब आपके करियर की। 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ेंगे। आपको काम देखते हुए आपको नौकरी से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे अच्छा योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में आएंगे तो जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। देव गुरु बृहस्पति आपके निर्माण लेने की क्षमता को अच्छा कर लेंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी में छूट या नौकरी में बदलाव की स्थिति आ सकती है, इसलिए सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में ट्रांसफर हो सकती है। यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। 2023 राशिफल के अनुसार मीन राशि के जातक अपने परिवार के जीवन में खुशियों का आनंद लेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरह से खुशियां प्रदान करेंगे। 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में परिवार में किसी व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां परेशानियां हो सकती हैं। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब ठीक कर देंगे। उसके बाद वे राहु के साथ युति करेंगे। आपके दूसरे भाव में जहां गुरु चंडाल दोष का प्रभाव भी बनेगा, जिससे कुटुंब में समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अब निजी वाद विवाद संभालना आपके हाथ में है। आपके परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। यह एक लंबा समय होगा, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। दोस्तों बात करते हैं व्यापार संबंधित राशि फल की। मीन राशि फल 2023 के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए साल अपनी शुरुआत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि भी एकादश भाव में होंगे। यह स्थिति आपको आपके व्यापार में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगी। अब जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार बहुत तेजी से विकसित होगा और आप समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा का अनुभव करेंगे और सम्मानित लोगों के सहयोग प्राप्त करेंगे, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों बात करते हैं मीन राशि के लिए स्वस्थ राशि फल की। आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एक अच्छी रूटीन का भी पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े रोग से चपेट में आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आपको आंखों में, दांतों में या मुंह में छाले आदि हो सकते हैं। अक्टूबर के बाद आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी, लेकिन पूरे साल आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। दोस्तों बात करेंगे अब 2023 के लिए लकी अंक की। तो मीन राशि के लिए भाग्यशाली अंक है 3 और 7। दोस्तों अब बात करेंगे मीन राशि के लिए ज्योतिष उपायों की। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल भगवान को अर्पित करें और उसके बाद स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बृहस्पति के दिन श्री राम जी की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा। बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को बिना स्पर्श किए जल अर्पित करें और केले के वृक्ष को भी जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को और छात्रों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा भी जरूर दें। किसी विशेष समय से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें। आशा करता हूं दोस्तों ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही हम कामना करते हैं।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय श्री हनुमान या जय महादेव जरूर लिखें। इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। आपका दिन शुभ रहे। जय माता रानी की।